राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता रानी। सर्वप्रथम मैं अपने सब्सक्राइब बंधुओं के लिए, पूरे सब्सक्राइब परिवार के लिए नवरात्रों की मैं कोटि कोटि बधाइयाँ देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोगों को माता रानी सुखी और समृद्ध रखे, सबके घर में खुशियों की एक बाहर आए एवं घर में बच्चों की किलकालियाँ रहें, मंगल कार्य नाना प्रकार के घर में होते रहें। ये शुभकामना, चूँकि नवरात्र चल रही है जो कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार अति उत्तम है। इन नवरात्रों में कुछ विधि ऐसी होती हैं, कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि थोड़े परिश्रम से ज़्यादा लाभ और लाभ का भी अनंत गुना लाभ। तो ऐसे में आपको कुछ विधान बता रहा हूँ। उन विधानों में सर्वोत्तम जो विधान है वो विधान होता है कन्या एवं लांगुर पूजन। पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया तो लांगुर की जगह लोग लंगूर समझने लगे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले मैं स्पष्टीकरण कर देता हूँ। कन्या, जो छोटी कन्या होती है उसे हम कन्या कहते हैं, लेस देन 9 ईयर। उसमें लिखा है कि छठे वर्षे भवेत कन्या, सप्त वर्षे चरोहिणी और अष्ट वर्षे भवेत गौरी अत ऊर्ध रजस्वला। इस सूत्र के अनुसार लेस देन 9 ईयर की कन्याओं को हम कन्या की संज्ञा देते हैं। इसके अलावा कन्या की संज्ञा नहीं होती, वो 10 वर्ष के बाद में युवती की संज्ञा हो जाती है। कन्या अगर 2-3 साल से लेकर के 6-7 साल की होती है तो अति उत्तम है, उसे हम कहेंगे कन्या। अब लांगुर कहते हैं माता रानी के जो सेवक होते हैं उन्हें बटुक भी कहते हैं। बटुक कहते हैं ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारी बालक कब तक रहता है, जब तक दुनियादारी का उसे ज्ञान नहीं होता। तो लेस देन 8 ईयर के बालक, मैक्सिमम 9 ईयर से छोटे हों, उन बालकों को जो मेल होते हैं उन्हें हम कहते हैं लांगुर, और जो फीमेल गुड़ियाएँ होती हैं, कन्याएँ होती हैं, उनको हम कहते हैं कन्याएँ। इन नवरात्रों में आप करके देखिए और चमत्कार देखिए, यानी जो पुरानी हमारी बुजुर्गों की कहावत है कि इस हाथ आपको लेना है, इस हाथ देना है। बाएं हाथ से देंगे यानी कन्याओं को दान करेंगे, कन्याओं पूजन करेंगे, तो दाहिने हाथ से तुरंत आपके पास में रिद्धि सिद्धि समृद्धि लक्ष्मी दीर्घायु आरोग्यता सत सौभाग्य बिना बुलाए ही आएंगे। जो महात्मा तुलसीदास जी ने जिक्र किया है कि जिम सरिता सागर में जाहीं, जद्यपिताय कामना नाही, तिम सुख संपत बिन ही बुलाए और धर्मशील पर जाए सुहाए। इन चौपाइयों का मैं सूक्ष्म में भावार्थ बताता हूँ। जिस प्रकार से नदियों को समुद्र निमंत्रण नहीं देता कि तुम मेरे पास आके और अपना प्रभाव बढ़ाओ, यानी तुम मुझ में समाहित हो जाओ, प्रभावित हो जाओ, लेकिन बिना बुलाए नदियाँ समुद्र तक पहुँचती हैं, क्योंकि उनका इसके अलावा कोई दूसरा आश्रय है ही नहीं। विश्व की हर नदी का अंतिम छोर समुद्र तक होता है, वाया वाया वाया, किसी भी नदी के द्वारा। इस प्रकार से उपमा दी गई है कि जो व्यक्ति कुछ उपाय करते हैं, जो धर्मशील होते हैं, हमारी मर्यादाओं को समझते हैं, उनके घर पर बिना बुलाए लक्ष्मी आपकी कृपा की वर्षा करने लगती है, सुख समृद्धि वहाँ पर नृत्य करने लगते हैं, हर प्रकार की खुशियाँ उस घर में आती हैं। तो प्रिय बंधुओं, ये आचार्य जन कटारा चैनल आपका परिवार है और आप सभी सब्सक्राइब हमारे परिवारिक सदस्य हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे सब्सक्राइब करें और बढ़ाएं, अपने मित्र बंधु बांधवों को आप शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर बताइए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अब मैं बताता हूँ कन्या लांगुर पूजन की, कन्या लांगुर पूजन की विधि क्या है। प्रथम विधि यह है कि एक कन्या एक लांगुर, जो व्यक्ति 9 दिन अपने घर में बुला के पूजन करते हैं, पूजन करते हैं कि उनके पहले चरण धोएं, उस पानी से छींटा लगाए घर में, यानी पूरा पैर धोने की जरूरत नहीं, खाली जो दाहिने पैर का नाखून होता है अंगूठा, उतने हाथ लगा के गिलास में डाल लें तो उनका अंश आ जाता है। फिर उन कन्या और लांगुर दोनों के लिए यथोष्ट जो उनको पवित्र प्रिय है ऐसा उनको भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद ऐसी कोई वस्तु या उनको द्रव्य यानी कि पैसा दान में दें, उनको खुशी में दें, गिफ्ट में दें, श्रद्धापूर्वक दें, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। वाह क्या खिलौना है, जो खिलौना हो या अपने जो भी लंच बॉक्स वगैरह होते हैं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे उनको बड़ा प्रिय होता है,
ऐसा उनको दान में दें और हंसते मुस्कुराते बच्चियों को विदा करें, तिलक भी करें, तो आप देखेंगे आपके घर में कितनी सुख समृद्धि आती है। पहला नियम। दूसरा नियम है कि जो बंधु बढ़ती हुई संख्या के आधार पर, यानी पहले दिन प्रथम नवरात्रि शैलपुत्री का जिस दिन पूजन होता है, एक कन्या को पूजन करें, द्वितीया को दो कन्या, तृतीया को तीन कन्या, चतुर्थी को चार कन्याएं, इस प्रकार से बढ़ाती हुई नौमी को नौ कन्या हो, लांगुर एक भी चलेगा, और अगर बढ़ाते जाएँ तो भी आपकी इच्छा है, लेकिन उसमें बढ़ाने की आवश्यकता उतनी नहीं मानी गई शास्त्र विधान में। नित्य पूजन करें और पूजन करके उनका नित्य के उनको भोजन आदि कराएं और उनको गिफ्ट दें तो आपको सर्वोत्तम होता है। अब तीसरी विधि मैं और भी आपको वर्णन कर देता हूँ। कदाचित इस प्रकार की व्यवस्था प्रतिदिन नहीं हो पाती, क्योंकि हम कर्मयोगी हैं, अपने व्यापार में लगे रहते हैं, कोई नौकरी पर जाता है, रोज़ रोज़ संभव नहीं हो तो डजंट मैटर, आप नौमी के दिन, या जिनके घरों में कुल परंपरा से अष्टमी पूजती है, अष्टमी या नौमी के दिन कम से कम नौ कन्याएं एकत्र हो जाएं तो अति उत्तम है। एक भी होगी तो भी आपको फल देगी, और एक लांगुर जरूर हो, नौ लांगुर हो या अनगिनत हो, उनकी कोई संख्या नहीं, उनको विधिवत भोजन करा के दक्षिणा दें, तिलक करें, तो आपके घर में समृद्धि होगी। अब मैं व्याख्या करता हूँ कि क्यों हम कन्याओं की पूजा करते हैं। कन्या लक्ष्मी स्वरूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और कन्या उन्हीं भाग्यशाली व्यक्तियों को होती है जिन पर भगवान की कृपा होती है, क्योंकि भगवान विष्णु के रूप में एक बार उन्हें वरण करने आते हैं, हर किसी के घर में कन्या भी नहीं होती, तो कन्या लक्ष्मी का रूप है। और ब्रह्मचारी बालक जो होता है, बटुक जैसे हम लांगुर वीर कहते हैं, वो शक्ति का प्रतीक है। कन्याओं का पूजन करने से आपके घर में धन लक्ष्मी बढ़ेगी, और लांगुर वीर का पूजन करने से आपके घर में आरोग्यता बढ़ेगी। आप, मैं कई बार डंके की चोट पर कहता हूँ, अपने पिछले साल मेडिकल का बिल देख लेना, इस बार विधान से पूजन करना कन्याओं का, अगले साल का बिल, मेडिकल बिल पूरे साल का आप नाप लेना या तीन महीने का नाप लेना, लेस देन होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो ये हमारी कन्या लांगुर का यद्यपि एक मंत्र भी है, हम मंत्र साइड में लिख भी देंगे, सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते पूजान ग्रहणम कौमारी जगन मातुर नमोस्तुते। ये कुमारी कन्या को जगन मातुर यानी कि जगदम्बा भवानी की उपाधि है, माँ लक्ष्मी की उपाधि है, ब्रह्माणी सावित्री की उपाधि है, और उतनी उनमें शक्ति भी पाई जाती है। ये खाली उपाधि नहीं है, शक्ति युक्त हैं। उनको बड़ी श्रद्धा भाव पूर्वक पूजन करें और पाएं अपने जीवन में खुशियों की अनुपम बहार। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।